कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी राधिका मैम। मेरे हिंदी की कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये है आपकी हिंदी पाठमाला प्रतिभा कक्षा दूसरी से। आज हम पढ़ेंगे पाठ पाँच, हम क्या खाएं। हम क्या खाएं, और ये हमारा है भाग एक, है ना? क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम क्या खाएं, और ये किस पर आधारित है? ये हमारे स्वास्थ्य पर आधारित पाठ है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। चलो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज का पाठ हमारा, हम क्या खाएं। तो सनी की माँ शोभना बाजार से टोकरी में कुछ सामान लेकर घर पहुंची। किसकी माँ? शोभना की माँ, है ना? बाजार से टोकरी में सामान लेकर के आई है। तभी कमरे से भागा भागा सनी आया। कौन आया? सनी, है ना? कमरे से भागा भागा आया और हाथ से टोकरी लेकर, माँ की हाथ से टोकरी उन्होंने क्या की? छीन ली और उसे उलटना पलटना शुरू कर दिया कि देखना, वो देख रहा है कि माँ क्या लाई है बाजार से और सब कोई इधर उधर कर रहा है। देखकर माँ बोली, रुक जाओ बेटा। लेकिन सनी कहाँ मानने वाला था, माँ उनको रुकने के लिए बोल रही है पर सनी नहीं माना और सारा सामान उन्होंने क्या कर दिया, उलट पुलट करके देखने लगा। फिर वो गुस्से में चिल्ला कर बोला, कौन? सनी, है ना? ये क्या माँ, आज फिर आप सब्जियों और फलों से टोकरी भर लाई, ना तो आप चिप्स लाई, ना चॉकलेट लाई और ना ही चाउमीन या बर्गर। कौन बोल रहा है? सनी अपनी माँ से। आपने सारी टोकरी में घर का सामान लाया है, हरी सब्जियाँ लाई है और मेरा तो कुछ भी सामान नहीं लाया कर, तो क्या हो रहा है? नाराज हो रहा है। और क्या नहीं लाया बोल रहा है? तो चिप्स, चॉकलेट, चाउमीन, बर्गर, है ना? ये सब आप मेरे लिए नहीं लाई। आप जानती है ना, फल और सब्जी मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या, कौन बोल रहा है? सनी अपनी माँ से बोल रहा है कि आपको तो मालूम है कि मुझे फल और सब्जियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, है ना? और यह सुनकर वो मुंह बना करके सोफे पे बैठ गया। मुंह बनाना मतलब वो नाराज होकर के, माँ से गुस्सा होकर के कहाँ बैठ गया, जा करके सोफे में बैठ गया। तभी पड़ोस में रहने वाली मिनी की माँ मधुरिमा घबराते हुए आई और बोली, शोभना तुम अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चल सकती हो क्या? कौन आया? जो उनकी पड़ोस में उसकी दोस्त रहती थी ना मिनी, उसकी माँ मधुरिमा एकदम घबराए हुए आई है और आकर के सनी की माँ शोभना से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ अभी डॉक्टर के यहाँ चल सकती हो? तो वो पूछ रही है, क्यों, क्या हो गया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन क्या हो गया? कौन पूछी? शोभना पूछ रही है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हो गया, है ना? कौन पूछ रहा है? शोभना पूछ रही है, है ना? शोभना पूछ रही है मधुरिमा से कि क्या हो गया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मिनी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, है ना? मिनी के पेट में क्या हो रहा है? बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो क्यों हो रहा है बच्चों दर्द? क्योंकि वो सुबह शाम चिप्स और कुरकुरे खाती है, चाउमीन बर्गर खाती है, चटपटी जो मसालेदार चीज होती है ना बाहर वाली, है ना, उसको वो खाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, बच्चे लोग को चटपटा चीज अच्छा लगता है ना, पर उससे क्या होता है, वो कब से बना हुआ है, कब पैक हुआ है और हम उसे कितने दिनों बाद खा रहे हैं और वो बाहर की चीजें हैं, है ना? तो इससे अधिक मात्रा में खाने से क्या होता है, हमें परेशानी होती है, हम बीमार पड़ सकते हैं। देखो यहाँ मिनी को क्या हो गया है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है? अब पेट में दर्द होना ही, यह कहते हैं मिनी की माँ बहुत दुखी हो गई, क्योंकि वो बता रही है शोभना को कि ये दिन में बाहर की ही चीजें खाती है। ये सब बातें हम ये बाद में करेंगे, पहले एक काम करते हैं, पहले मिनी को डॉक्टर के यहाँ लेकर के चलते हैं। कौन बोल रही है? शोभना, है ना? ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, पहले क्या करते हैं, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। शोभना और मधुरिमा क्या की, जल्दी जल्दी मिनी को डॉक्टर के पास ले गई, साथ में सनी भी गया, है ना? डॉक्टर ने क्या किया बच्चों, पहले सबसे पहले उन्होंने मिनी की जांच की, फिर पेट का दर्द तुरंत कम करने के लिए डॉक्टर बोला कि इन्हें एक सुई लगानी पड़ेगी। अब मिनी जैसे ही सुई की बात सुनी वो तो घबरा करके रोने लगी, क्योंकि बच्चों को सुई से बहुत डर लगता है, मेरे को भी लगता है, है ना? तो सुई से बहुत डर लगने से क्या है, वो रोने लग गई। आगे तो डर के मारे रो रही थी कि मेरे को सुई लगनी है, तो डॉक्टर ने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि तो पेट का दर्द तो तुरंत ठीक नहीं हो सकता था बिना इंजेक्शन के, तो इंजेक्शन लगाना ही पड़ा। अब रोती वो मिनी क्या की, रोती चिल्लाती रही, फिर भी उन्हें सुई लग गया।
और फिर उसके बाद क्या किए, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ भी दी और फिर मिनी को समझाया, बोला बेटा बाहर की चीजें खाने से तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है ना डॉक्टर उनको समझा रहे हैं देखिए कि तुम्हें तुमने बाहर की चीजें खाई और उसके बदले में आज तुम्हें क्या करना पड़ा, डॉक्टर कहना पड़ा और सुई लगवानी पड़ी। इससे अच्छा है कि तुम घर में फल सब्जी दूध खाती दही खाती है ना, तो ये सब चीजें क्या होती हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है और बाहर की चीजें हमें बहुत नुकसान पहुँचाती है। तो तुम तो ये सब चीज खाती नहीं हो, हरी सब्जी फल वगैरह आप खाते नहीं हो, अगर तुम्हें ताकतवर बनना है अच्छा बनना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हरी सब्जी और फल खाना पड़ेगा, साथ साथ दही भी खानी पड़ेगी। अब मिनी डॉक्टर की बातें समझ गई थी है ना, मिनी की हालत को देख कर सनी भी सोचने लगा, सनी भी साथ में गया था ना, तो सनी भी सोचने लगा कि मैं भी मिनी की तरह बाहर की चीजें ही खाता हूँ, अभी अभी मैं अपनी माँ से लड़ रहा था कि आपने मेरे लिए चिप्स और चाउमीन नहीं लाया है ना, तो वो भी सोचने लग गया सनी भी कि अब से मैं भी नहीं खाऊंगा बाबा, मेरे को भी बीमार नहीं पड़ना है, मेरे को डॉक्टर की सुई नहीं लगवानी है, इससे अच्छा है मैं कल से ही हरी सब्जी खाऊंगा दूध दही खाऊंगा। और सनी ने भी ऐसा मन बना लिया। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हमें अच्छी सेहत के लिए हरी सब्जियां खानी चाहिए और नुकसान देने वाली बाहर की चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। हम स्वाद के लिए या टेस्ट के लिए थोड़ा सा कभी कभार खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मना ही नहीं है, क्योंकि हम बच्चे हैं हमको यो भी खाने का मन होता है, पर हमें उसकी आदत नहीं डालनी चाहिए कि हम चिप्स नहीं लाए उसके बिना नहीं रह सकते या मतलब बाहर का ही सामान हम अधिक खाएं, ऐसा नहीं। हमें घर की बनी सब्जियों घर के बने है ना, घर में बहुत सारे आइटम बनते हैं जिन्हें खाकर भी हम रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं ये हमारा पाठ आपको कैसा लगा कि हम क्या खाएं आप लोग मुझे जरूर बताएंगे, फिर मैं अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद बच्चों।